हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एडवर्टीजमेंट जो 30th अक्टूबर की है और इश्यू की गई है गवर्नमेंट ऑफ आसाम द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन है फॉर क्लास 3 पोस्ट और इसमें लिखा है आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जवाहरनगर खानापारा गुवाहाटी। एनी हाउ ये उनका एड्रेस है। इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सो एंड सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ आसाम फॉर फिलिंग अप ऑफ 7,600 नंबर्स ऑफ वैकेंट क्लास 3 पोस्ट टेंटेटिव अंडर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो जरूरी नहीं है कि वो आसाम के रेजिडेंट हों, सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन वो रजिस्टर्ड हों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आसाम के। देयर विल बी ए रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरीज एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ पे बैंड एंड ग्रेड पे एटसेट्रा शैल बी पब्लिश्ड अहेड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन along with details of reservation। तो वो आपको बाद में बताएंगे कि क्या पे स्केल होगा, क्या ग्रेड होगा, जो भी है। अब जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए सबसे पहले है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर वेरियस क्लास 3 पोस्ट आर एज फॉलोस। तो डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हैं। पहली कैटेगरी है बैचलर डिग्री लेवल की, जिसमें 4,055 वैकेंसीज हैं, 4,055, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री। दूसरी है बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद है बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन इन स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो पहली कैटेगरी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है और हो सकता है अलग अलग पोस्ट भी हों उनके लिए। तो ये उन्होंने बताई है, और कैटेगरी की हम आगे देखते हैं। आगे देखिए सेकेंड कैटेगरी है HSSLC लेवल, हाई सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या उसके बराबर जो एग्जाम है। उसके आगे भी दो इन्होंने सब कैटेगरी बना दी हैं। इसमें एक है HSSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ट, सिंपल। एक है HSSLC साइंस एग्जामिनेशन पास्ट। इन दोनों में मिला के वैकेंसीज हैं 3,127। फिर है कैटेगरी 3, वो भी वो है HSLC लेवल। उसमें है HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड विद वैलिड LMV ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैकेंसीज है 418। अब अगर आप देखें तो हायर सेकेंडरी और HSLC और SSLC में दोनों में डिफरेंस जरूर होगा। HSS जिसमें डबल S है सीनियर सेकेंडरी होगा, और जिसमें HSLC है उसके बाद है एज। देखिए द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/1/2023। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज फॉलोस। जो जो अलग अलग कैटेगरी के लिए है वो उन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड दिए हैं। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन फी। There will be no application fee for all the categories of candidates. Candidates are not required to pay any application fees for submission of their online applications. उसके बाद है application procedure, वो उन्होंने दे दिया है आपको। online mode से आपको करना है और पूरी instructions आपको दी हैं उन्होंने। और application shall be received from 10th November 2023 onwards. अप टू 29th December 2023। ये देख लीजिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंडीशंस हैं, जो प्रोसीजर है, प्लीज आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर।
The selection criteria and the mode of examination for the different categories of posts shall be communicated in due course of time. However, after written examination, the shortlisted candidates will have to appear for skill test with computer, stenography, driving skill tests, etc. उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा है और अदर कंडीशंस हैं, वो जनरल कंडीशंस हैं कि TADA नहीं मिलेगा या और जो कंडीशंस हैं, प्लीज आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई हैं, लेकिन 10 नवंबर से जब भी खुलेगी इसकी रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करने का टाइम शुरू होगा, आप अप्लाई कर दीजिए। देयर इज नो फी फॉर सच थिंग, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं, बट अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, यही मैं कहना चाहूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।